चिंतामणि राय जो बड़ा बाजार जिला कांग्रेस के हेवी वेट लीडर थे, उनका जन्मदिन 45 नंबर वार्ड की कांग्रेस कमेटी ने काफ़ी धूमधाम से मनाया और ये उन लोगों का 19वां इवेंट था। 45 नंबर वार्ड तृणमूल कमेटी ने ब्लड डोनेशन, वार्ड के गरीब औरतों को अपने पांव पर खड़ा होने के लिए 75 सिलाई मशीन और हैंडीकैप लोगों के लिए 22 व्हीलचेयर और 1200 गरीब लोगों को से देते हैं कपड़े, समाज का सेवा के लिए किसी का काम आ जाए, इससे बढ़कर दिल में खुशी क्या होगा। आप कितने साल से यहाँ ब्लड दे रहे हैं? यहाँ 5 साल से दे रहे हैं। आज ब्लड डोनेशन था, व्हील चेयर डिस्ट्रीब्यूशन था, सिलाई मशीन डिस्ट्रीब्यूशन, हम सब पोस्ट वितरण, हम लोगों ने कम से कम 75 लोगों को सिलाई मशीन दिया, 500 लोगों को वस्त्र वितरण किया। सामाजिक काम करना चाहिए, सामाजिक काम जो नहीं करेगा कभी अच्छा नेता क्या, अच्छा व्यक्ति कोई भी अच्छा आदमी बनने के लिए सामाजिक काम करना पड़ता है। ये किनके नाम से हो रहा है? ये चिंतामणि राय के नाम से। ये चिंतामणि कौन है? चिंतामणि राय बड़ा जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, स्वतंत्रता सेनानी। आज कितने लोगों ने ब्लड डोनेशन किया? अभी तक 253 आदमी। अच्छा, इसके अलावा क्या सिलाई मशीन वगैरह भी बांट रहे हैं? सिलाई मशीन 75। अच्छा, और इसके अलावा भी कुछ? बस वितरण, हैंडीकैप साइकिल 500। आज के रक्तदान शिविर प्रति बचर ही चिंतामणि राय फाउंडेशन থেকে চিন্তামণি রায়ের স্মারক স্মৃতির উদ্দেশ্যে তার ছেলে রাজীব রায় আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসের এই অঞ্চলের সভাপতি প্রতি বছর এই দিনে এই প্রোগ্রাম করে মানুষের সেবামূলক কাজে। আমি সাধুবাদ জানাই, তার কারণ হচ্ছে রক্তদান শিবির তার সাথে সাথে গরিবদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ, সেলাই মেশিন তোলা থেকে শুরু করে বিভিন্ন রকম সমাজসেবামূলক কাজে নিজেদেরকে নিয়োজিত করে এরা। আর আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সবসময় বলেন যে মানুষের পাশে থাকতে হবে, মা মাটি মানুষকে নিয়ে চলতে হবে। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে রাজীব রায় তার পিতার স্মৃতিরক্ষার্থে, তার পিতার জন্মদিবসের দিনে এরমভাবে সমাজসেবামূলক কাজে নিজেকে নিয়োজিত করে সত্যি প্রশংসনীয় উদ্যোগ। আমি আজকের এই অনুষ্ঠানে রাজীব রায় সহ তার প্রত্যেক সহকর্মীকে অভিনন্দন জানাচ্ছি, সাধুবাদ জানাচ্ছি। আর রক্তদাতাদের বিশেষ করে আমি কৃতজ্ঞতা জানাবো, কারণ রক্তদাতারা যে স্বেচ্ছায় রক্তদান করে নিজেদের সামাজিক দায়বদ্ধতা পালন করছেন তা সত্যি প্রশংসনীয়। আজকের এই রক্তদাতারা না থাকলে আমাদের রক্তদান শিবির কখনোই সাফল্যমণ্ডিত হয় না, তাই রক্তদাতাদের আমি বিশেষ করে সাধুবাদ জানাই এবং তাদের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাই।